हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटर रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसकी डेरिवेशन निकालनी है हमें, और फिर हाफ लाइफ पीरियड देखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, आपको ध्यान से समझना है, इस पूरी वीडियो को देखिएगा, और जो बायो वाले बच्चे हैं वो आराम से देखिएगा। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है। तो देखिए, मान लो हमारे पास, हम सपोज करते हैं कोई भी एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, जो ए रिएक्ट करके हमें दे रहे हैं बी। ठीक है, अब जब टाइम टी ज़ीरो है, मतलब रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुई, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी, सी ज़ीरो या सी नॉट। ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन, बी बना ही नहीं होगा, रिएक्शन प्रोसीड चली ही नहीं होगी, रिएक्शन चली ही नहीं होती तो चली ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। तो कंसंट्रेशन को मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, सी नॉट से। ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हो, तो वैसे कंसंट्रेशन को सी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने सी लिख दिया। अब एट टाइम टी, कुछ वक्त बीता, कुछ देर के बाद, जो सी नॉट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, वो कंसंट्रेशन घट गई, कम हो गई, और कम होके बन गई सी टी। और वहीं प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बने होंगे, तो प्रोडक्ट बने हमारे पास बी टी। ठीक है, मैंने ये इसी का बी ले लिया, और टी मतलब इतने टाइम पर इतने बन गए बी टी। ठीक है जी, अब देखिए, अब क्या करना है, आपको पता है रेट को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक तो डिफरेंशियल रेट रहा, और एक ऑर्डर वाला जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, वो दो रेट, दो तरीके हैं। अब एक चीज़ को बताने के दो तरीके क्यों भाई, एक चीज़ को, एक चीज़ के हज़ारों तरीके हो सकते हैं ढूंढने के। चलो, एक चीज़ को बताने का मतलब, एक मतलब किसी एक चीज़ को आपने बताया एक वे से, लेकिन उसके तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं ना उस चीज़ को ढूंढने के लिए। तो इस जो डिफरेंशियल रेट ला है वो क्या होता है, रेट इज़ इक्वल टू आर इज़ इक्वल टू, ये हमने पहले लिखा था, माइनस डी ए बाई डी टी, याद करिए। तो अभी यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन सी ली है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, आर इज इक्वल टू माइनस डी सी अपन डी टी, या इसी सी की जगह आप ए के लिए ए ले लो। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर वन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑर्डर वाला, जो हमने कल और नेक्स्ट लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर में किया। तो अब यहाँ पर आर रेट के इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए टू द पावर ज़ीरो। ज़ीरो क्यों लिया, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब कोई भी टर्म जिसकी पावर ज़ीरो हो, वो किसके बराबर होती है, वन के। तो जब यहाँ पर बच्चा जी वन आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, के। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन नंबर टू क्या है, आर इज इक्वल टू के। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या, वन क्या है, आर इज इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी। अब आर इज इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी और आर इज इक्वल टू के, तो इक्वेशन नंबर वन और टू को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं ना, डी सी माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर इन दोनों के बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये बन गया इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें इसने पूछा हुआ है इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर, तो हम इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन में आपको पता है ये वाला साइन यूज़ किया जाता है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाया, तो माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, ये लिख दिया, इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो डी टी हमने लगा दिया, इंटीग्रेशन के साथ ही लगेगा, ये कुछ नहीं है कि यहाँ से उठा के कहीं से लगा दिया, ये इंटीग्रेशन के साथ ही लगता है। ठीक है, दोनों मिलजुल के चलते हैं। अब देखिए, ये वाला डी टी कैंसिल हो गया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये डी सी बचा। अब मैम, आपने ये क्या ले लिया, सी ज़ीरो सी टी बाई, ये पता क्या है, ये है लिमिट्स, मतलब इंटीग्रेशन आप कहाँ से कहाँ कर रहे हो। तो यहाँ पर ये लिमिट्स कहाँ से ली हमने, यहाँ से। देखो, कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ है, सी नॉट से सी टी चेंज हो रही है ना, मतलब इनिशियल सी नॉट थी और ये, और टाइम की हमने कहाँ से ली, ज़ीरो टू टी, ज़ीरो टू टी मतलब ये पहले टाइम ज़ीरो था, फिर टाइम कितना है टी, ये चीज़ मत लेना क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन है, तो ये ज़ीरो टू टी। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन में लिमिट्स ली जाती है, मतलब कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब उसी चीज़ को हमने क्या लिख दिया, जैसे मिनट, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ ही कर देती हूँ। अब यहाँ का ये वाला डी और ये वाला इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएंगे।
क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। बचेगा क्या, बचेगा क्या, ये वाला सी, बेचारा अकेला है ना। अब सी के पास ये दो तो कैंसिल नहीं हुए ना, ये डी टी और सी टी और सी नॉट, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब पहले ऊपर लिखते हैं बड़े वाले को सी टी जो ज़्यादा है और फुट पे लिखते हैं जो कम है, सी नॉट बाई सी टी, समझ आ गई। यहाँ ये डी और ये इंटीग्रेशन गया, पीछे क्या बचा, माइनस के तो बचा हुआ है बेचारा, है ना, के तो अभी है, और यहाँ पर क्या हमारे पास बच गया, टी, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक बचा जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये डी और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ बचा टी, टी ही बचा ना। तो कहाँ से कहाँ पावर, एक सेकेंड, हाँ जी, ये टी मतलब पहले टाइम टी था, फिर टी टू ज़ीरो है ना, एक सेकेंड देख लेते हम। तो ज़ीरो टू टी, तो टी ज़ीरो मतलब टाइम कम है, तो ये होगा लोअर, और टी जो है वो टाइम थोड़ा बढ़ गया तो ये अपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने लिया। अब जैसे कि ये यहाँ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, अगर इंटीग्रेशन करनी हो ना dx की, तो कहाँ से x1 से x2 पे, तो ये d और ये इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, तो x अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, मतलब 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे फुट पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर कोई कौनसा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या है, c की जगह हम ये लिख सकते हैं ना, माइनस बाहर सी टी माइनस सी नॉट, जैसे आपने चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा टी, तो जैसे टाइम कहाँ से चेंज हो रहा है, टी टू माइनस टी वन फाइनल टू इनिशियल, तो वैसे ही है यहाँ पर, ये लिखा सी टी माइनस सी नॉट है ना, इज इक्वल टू के, के कहाँ से आएगा, टी माइनस ज़ीरो, समझ आ गई। अब हमारे पास भाई साहब इक्वेशन निकल के आ रही है, सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल टू, ये वाला माइनस इधर ले आए, माइनस के टी, समझ आ गई। और ये के ज़ीरो से तो के ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई, क्या इक्वेशन बनी, सी टी माइनस, अब कहीं कहीं बुक्स पे ये चीज़ लिखी होगी, सी टी माइनस सी नॉट इज इक्वल माइनस के टी, ये भी सही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया इस चीज़ को, सी टी इज़ इक्वल टू, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आई, तो ये जब इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर बन गया सी टी माइनस सी नॉट, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी इज इक्वल प्लस सी नॉट। अब ये मैंने क्यों इक्वेशन ऐसे लिखी, क्योंकि मुझे लाइन इक्वेशन लिखनी है, एक ग्राफ प्लॉट करना है जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए, तो वहीं ये काम देगी। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये आपको पता है इंटीग्रेशन कर करके हमने लाई, तो इसीलिए इस इक्वेशन को बोला जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम देखेंगे बच्चा ग्राफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो देखो, यही इक्वेशन ली, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ज़ीरो। अब एक लाइन इक्वेशन होती है जो आपको रट के रखनी है, वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लाइन इक्वेशन क्या, देखो ये वाली, इसको बोलते हैं लाइन इक्वेशन, ठीक है। इसी से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, हमें पता होता है कि कौन सी स्लोप क्या आएगी। अब यहाँ पर देखो, जो y है वो किसके बराबर है, ct के बराबर, तो y इज इक्वल टू ct। यहाँ पर देखो बच्चा, जो x है वो किसके बराबर है, t के, तो x इज इक्वल टू t। c किसके बराबर है, c नॉट के, और m किसके बराबर है, माइनस k के। अब ये m है ना, ये वाली स्लोप होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ क्या है, दो एक्सिस होंगे x और y, तो ये हमारे पास x और y, ये y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। अब y क्या है, t, y पे क्या है, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इधर बढ़ेगा, और x पे क्या, सॉरी x पे क्या है, टेम्परेचर, और y पे क्या है, ct, तो ct इधर बढ़ेगा, तो इस लाइन पे ct क्या होगा, ज़ीरो, और इस लाइन पे ct बढ़ रहा होगा, इस लाइन पे t क्या है, बढ़ रहा है, और इस लाइन पे ct क्या होगा, ज़ीरो होगा, और इस लाइन पे टी ज़ीरो होगा, समझ आई। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखो, या इस ये वाली जो लाइन है ना, इस पे टी ज़ीरो होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो इधर बढ़ रहा है ना, नीचे, ऊपर ज़ीरो होगा। चलो ये चीज़ क्लियर हुई। दूसरी देखिए, इस लाइन पे जो टी है वो मैक्सिमम इंक्रीज़ होता रहेगा, और यहाँ इस लाइन पे सी टी क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन लिखी है सी टी, इसी में वैल्यू डालनी है, पहले इस लाइन के लिए, फिर इसके लिए, तो हमें स्लोप, हमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई एक्सिस के, वो निकल जाएंगे। अब इस पॉइंट पे, यहाँ पर हमने सी नॉट कैसे आया, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है टी इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ सी नॉट आ गया, सी ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ये सी नॉट कैसे लिखा, इस वाली इक्वेशन में आप डाल सकते हो सी टी
जो है यहाँ पर जो हमारे पास सी टी है वो कितना होगा इस वाली लाइन पे बढ़ रहा है इज इक्वल टू माइनस के और टी की जगह क्या आएगा ज़ीरो की और इज इक्वल टू कहाँ से हाँ सी नॉट। तो अब ये पूरी ज़ीरो हो गई तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट के बराबर आई तो इसीलिए यहाँ पर सी नॉट लिखा है ठीक है। और यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, एक्स का क्या है ज़ीरो और वाई का क्या है सी नॉट। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको आई होप सो। यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे ये पॉइंट हमने कैसे निकाला सी नॉट बाई के। अब यहाँ पर सी टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें ज़ीरो, तो वही चीज़ करी सी टी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में ज़ीरो, ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, यही किया हमने। यहाँ पर देखो फिर के टी को इधर ले लिया, के टी इज इक्वल टू सी नॉट क्योंकि ये ज़ीरो तो है। अब टी इज इक्वल टू सी नॉट बाई के ये यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, तो यहाँ इस पॉइंट पर सी नॉट अपॉन के जहाँ पे ये जो वाई एक्सिस को काट रहा है सॉरी एक्स एक्सिस को काट रहा है वहाँ पर इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो सी नॉट बाई के। अब लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है ऊपर से नीचे, इसका हमें कैसे पता चला क्योंकि यहाँ पे माइनस के है तो माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है, तो ये बच्चा है हमारे पास ग्राफ किसका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ठीक है। इस हमने ये देख के ही निकाला यहाँ से, कुछ इतनी बड़ी आफत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना। अब हाफ़ लाइफ लेते हैं, हाफ़ लाइफ का मतलब क्या हो गया, जब रिएक्टेंट आपने लिए मान लो 100% रिएक्टेंट लिए, कुछ टाइम बीता मान लो एक घंटे के लिए रिएक्शन चलनी थी, आधे घंटे में जो रिएक्शन है वो पहुंची कहाँ पर मतलब 50% हो गए और रिएक्टेंट जो हो गए वो 50% हो गए और टाइम कितना लगा आधा घंटा, तो टी हो गया हाफ और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मतलब पूरी बाई दो है ना, मतलब जितना भी मतलब जैसे 60/2 30 हो गया है ना। अब यहाँ पर देखो जब टी ज़ीरो था, जब टी ज़ीरो था तो सी टी किसके बराबर था सी नॉट के, इधर यहाँ देख लो, देखो जब टी ज़ीरो था तो सी नॉट जब व्हेन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, देखो टी जो जब ज़ीरो होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी सी नॉट और ये बाद में किसके बराबर होती है मतलब टी टाइम पे सी टी हो जाती है। तो यहाँ पर देखो इससे निकालो या आगे हम देखते हैं, तो देखो अब t इज इक्वल टू ज़ीरो मतलब और सी टी इज इक्वल टू सी नॉट, यहाँ से ही हमने देख के लिख दिया, यहाँ से t इज इक्वल टू ज़ीरो और सी टी इज इक्वल टू सी नॉट या सी नॉट इज इक्वल टू सी टी, या हम यहाँ इस ग्राफ से भी लिख सकते हैं। देखो t जो है जब t ज़ीरो होगा, इधर से भी हम लिख सकते हैं जब t ज़ीरो होगा तो जो ये सी टी है ये किसके बराबर है सी नॉट के, यहाँ से ग्राफ से भी हम लिख सकते हैं ठीक है। अब टी बाद में क्या हो जाएगा हाफ और सी टी भी क्या हो जाएगा हाफ। अब इसी चीज़ को हमने इधर लिखा इस, अब ये चीज़ें टी इज इक्वल टू हाफ और सी टी इज इक्वल टू ये इस वाली इक्वेशन में डालिए तो यहाँ क्या बन जाएगा सी टी की जगह क्या आएगा, यहाँ पर सी टी की जगह सी नॉट बाई टू इज इक्वल टू माइनस के, टी की जगह क्या आएगा 1/2 और सी ज़ीरो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो इसको इधर ले आई टी 1/2 इज इक्वल टू सी नॉट ये और यहाँ पर माइनस ले गए सी नॉट अपॉन टू, अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएंगे टू, इधर से मल्टीप्लाई होगा तो टू सी नॉट माइनस सी नॉट अपॉन टू, तो टू सी नॉट से एक सी नॉट गया तो एक सी नॉट बाई टू बन जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट कंसर्न माई गॉड यहाँ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ये है, उसके बाद हम लिख सकते हैं देयर फोर टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू के ठीक है। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि हाफ लाइफ और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये चीज़ आपको रट के रखनी है मगअप करके रखना है सी 1/2 इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन टू के, ये सी नॉट है बच्चा यहाँ पर सी नॉट बाई टू के ठीक है, टी 1/2 इज इक्वल टू सी नॉट बाई टू के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।